सो हेलो एवरीवन, चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं SCO समिट जो अभी रिसेंटली में हुई है इंडिया में, और ये वर्चुअली की गई थी मैं आपको बता दूं, और इसमें सारे देशों ने पार्ट्स लिया और क्या क्या इश्यूज पे बात हुई हम लोग विस्तार में समझेंगे। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, क्योंकि इस पे इंटरेस्टेड जो है वो चाइना था और चाइना को प्रॉफिट इंडिया नहीं देना चाहता था, इसीलिए उन्होंने ये साइन करने से मना कर दिया। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रशिया भी इस पे बहुत इंटरेस्टेड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट SCO का जो था। अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SCO जितनी भी कंट्रीज है वो ट्रेड जो है वो युआन यानी कि चाइना की जो करेंसी है वो उसमें करना चाहते थे, इसीलिए इंडिया ने इसका विरोध किया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साइन करने से साफ मना कर दिया है। क्योंकि जो 2030 का मुद्दा लेके चल रही है चाइना, क्योंकि 2030 में सबसे मजबूत हो जाएगी चाइना, तो इसीलिए इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे साइन नहीं करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी देश थे सब ने ही साइन कर दिया है, लेकिन इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया। सो आप देख सकते हैं SCO में इतने मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो सभी लोगों ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है उन्होंने अग्री कर लिया, लेकिन इंडिया ही इकलौता ऐसा देश है जो साफ मना कर दिया कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे साइन नहीं करेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि SCO जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। SCO में 40% आबादी जो है वो आती है, और ये शंघाई कॉरपोरेशन यानी कि SCO इसका फुल नेम है। सो आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में जो ग्रीन दिख रहा है वो SCO के मेंबर्स हैं, और जो आपको अदर कलर्स दिख रहे हैं वो SCO में इंटरेस्टेड है देश। सो देखिए SCO जो समिट है वो वर्चुअली क्यों रखा गया मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कह दिया था साफ साफ कि G20 समिट में तो लोग आ सकते हैं, लेकिन SCO समिट जो है वर्चुअली रूप से हो गया, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के वो इंडिया में आके कुछ भी स्टेटमेंट्स दे सकते थे, पाकिस्तान जो है वो स्टेटमेंट्स देता आया, जैसा कि अभी आपने बीते दिनों देखा है गोवा में जो समिट हुई थी उसमें कश्मीर को लेकर बहुत ही मुद्दा उठाया, तो इसी चीज़ को देखते हुए वर्चुअली मीटिंग्स रखने का विचार भारत गवर्नमेंट ने अपनाया कि वर्चुअली SCO समिट की मीटिंग्स होंगी। देखिए इंडिया जो है वो वर्चुअली मीटिंग इसलिए रखा क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में वो बैलेंस बना के रखना चाहता है कि जिससे हमारे जो मतभेद हैं वो ना हो, जैसे चाइना और रशिया और अमेरिका सैंक्शंस लगाता है रशिया पे, इस चक्कर में ये वर्चुअली मीटिंग्स रखी गई जिससे इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, यही एक मेन मोटिव था वर्चुअली मीटिंग्स रखने का इंडिया में। देखिए इस समिट से काफ़ी कुछ साफ हुआ है कि SCO समिट में जितने भी देश हैं उसमें एकता यानी यूनिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल अगर पास किया जाता है SCO समिट में तो काफ़ी देश जो हैं वो विरोध करने लगते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही देख सकते हैं तो इंडिया ने उस पर साइन करने से सख्त मना कर दिया। तो जितने भी देश हैं जैसे अमेरिका है और भी देश हैं, उन्होंने देखा कि SCO समिट में जो है यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो PM मोदी ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साइन करने से मना तो कर ही दिया, लेकिन उन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी बात करी जो SCO समिट्स में रखे गए, जैसे कि इन्वेंशन के ऊपर, फूड एंड फ्यूल क्राइसिस के ऊपर बात करी, काउंटर ऑफ टेररिज्म की बात करी क्योंकि पाकिस्तान भी SCO समिट में आता है इसलिए काउंटर ऑफ टेररिज्म की बात करेगी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे साइन इसलिए इंडिया ने नहीं किया क्योंकि अगर इस पे साइन कर देते हैं तो चाइना का जो युआन है उससे ही SCO समिट की जितने भी देश हैं उसमें ट्रेड किया जाएगा, क्योंकि रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, इसीलिए वो चाहता है कि जो युआन है उससे ट्रेडिंग चालू हो जाए। पहले जो था कि इंडियन रुपीज से ट्रेडिंग करने के लिए कहा गया था रशिया करेगा, लेकिन ऐसा नहीं संभव हो पाया, तो अब रशिया ने ऑप्शन दिया है कि युआन से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, और जो कि इंडिया नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता मैं आपको यही बता दूं, क्योंकि अगर इंडिया इस पे साइन कर देता है 2030 में सबसे ज्यादा GDP चाइना की हो जाएगी। सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।